नमस्कार एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। नयगढ़ मुख्य डाक्तरखाना 5 लाख लोकंक भरोसा हेले एहा स्वास्थ्य सेवा जोगाइब कोन एबे दुर्बल अवस्था को चली आसी। आईसीयू एवं ऑक्सीजन प्लांट उद्घाटन हेबार बर्षे बीतिलानी कार्यक्षम हो पारुना। सेपटे डाक्तर एवं शज्या अभाव सांगकु सीटी स्कैन एवं एंडोस्कोपी भली गुरुत्वपूर्ण परीक्षार सुविधा नथिबारु रोगी खर्चांत होउछंती। आउ सीडीएमओ कहिछंती आर वर्षकु अवस्था सुधुरिबो। नाही नाही रे चली नयगढ़ जिला मुख्य चिकित्सालय रोगी सेवा बदल रे खोद डाक्तरखाना एवं असुस्थ हो पड़ा। जिला सदर महकुमा ठारे थिबा मुख्य चिकित्सालय रे डाक्तर स्टाफ नर्स और पारामेडिकल स्टाफ अभाव थिबा बेले सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड एवं एंडोस्कोपी भली अति जरूरी निदान और परीक्षा व्यवस्था नाही। फलरे परीक्षण पाई रोगी घरोई संस्थारे शोषणर शिकार होउछंती। हॉस्पिटल रे शज्या अभावरु रोगी चटाणरे चिकित्सित होउछंती। एभली स्थित विड़म्बना डाक्तरखाना नवनिर्मित नुआ आईसीयू एवं ऑक्सीजन प्लांट मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटित होते एजाए कार्यक्षम हो पारुनी। ए विभाग अधिकारी और स्थानीय राजनेता अवहेला को दायी कर नयगढ़वासी। आम आईसीयू खोला बर्षे है कि तार एपर्त कार्यकारी करना कि कौन लोक कौन बेनिफिट पाँगा। ऑक्सीजन प्लांट कराला ये कौन प्रकार कार्य करूना लोक ऑक्सीजन पे भी मरी जा। सरकार प्रशासन किंबा ये जो अच्छा ऑफिसर मैंने कौन सी दायित्व तो नौना टे क्रिटिकल सुविधा है से मिलूनी किसी ना प्राय सब रोगी गुड़ाक रेफर कर भुवनेश्वर कटक जहाँ नर्माल हेल्ला सुधा ना कि किसी ना मर एंडोस्कोपी फेनोस्कोपी एट सब सुविधा किसी ना ये सीटी स्कैन ना तेणु हरण लोक मैंने सब एत खराब बाहर को जाकि मैंने भारी प्रोब्लेम फिल कर लोक मैंने। बाहर चकाचक दिशुवा नयगढ़ मुख्य चिकित्सालय भीतर अवस्था देखिले जमापड़ी कि रोगी चिकित्सापी हंतसंत होती। डाक्तरखानार विभिन्न विभाग में 62 जन डाक्तर आवश्यकता थिबा बेले काम करुछंती मात्र 22 जन। हृदरोग विशेषज्ञ अस्थिशल्य विशेषज्ञ एवं अन्य विभाग में डाक्तर पदवी खाली पड़ी। अन्यपक्ष पुरा बिल्डिंग असुविधा को दायी कर सीडीएमओ। 2023 रे 100 सज्जा विशिष्ट नुआ कोठा निर्माण परे अनेक समस्यार समाधान हेबो बोली से आशा रखिछंती। जो 100 बेडेड हॉस्पिटल बर्तन चली सेटा यही डिसेंबर 2022 रे सरिबो बोली तांकर समय निर्घंट करा हेछि। जदिओ तथापि किछि डेरी हेइ पारे सेटा तारि भितर जदि हेइगला हेइगला परे हमर जो पुरुणा बिल्डिंग सर्जरी हो मेडिसिन हो एगुडा को सेठिक शिफ्ट कर दबो। शिफ्ट करदे आम पेसेंट बेड प्रॉब्लम रही। नयगढ़ मुख्य चिकित्सालय उपरे नयगढ़ जिला समेत पड़ोसी 5 जिलार लक्ष लक्ष लोक निर्भर करती किंतु अभाव असुविधार सहित जुझुवा यह डाक्तरखानार स्वास्थ्यावस्था दुर्बल हो पड़ी। नयगढ़ नवकिशोर मिश्र न्यूज 18 ओडिया। फेल मारी केन्दुझरगढ़ पौरपालिकार बर्ज्यवस्तु परिचालना योजना। 49 नंबर जातीय राजपथ कड़े कुढ़ कुढ़ अलिया तो बसस्टाण आगे भी आवर्जनार गदा। बिना जनशुणी सहर भितर बर्ज्यवस्तु परिचालना केन्द्र स्थापन को नहीं प्रश्न उठी। अंपटे उपयुक्त डंपिंग यार्ड मिल ना पौर उपाध्यक्ष कहते आसतु देखा केन्दुझर में बर्ज्यवस्तु परिचालनार एक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। पचास नंबर जातीय राजपथ निकटरे केन्दुझर सहरर एक प्रवेश पथ को देखु रास्ता कड़े गदा होर बर्ज्यवस्तु। बर्ज्यवस्तुर दुर्गंध और धूआरे अंचलवासी आक्तामाक्ता हो पड़ता बेले रास्तार यह दुर्घटना को आमंत्रण करपटे नुआ बसस्टाण आगे गदा हो रही कूढ़ कूढ़ बर्ज्यवस्तु अत्यंत अस्वास्थ्यकर परेश सृष्टि करूँ। चिंता व्यक्त करहर बुद्धिजीवी और परेशवि मु प्रशासन को अनुरोध करी जमी प्रपरली मैनेज करेंगे तर से तो कहते विभिन्न जगह अलिया आवर्जना कलेक्शन करेंगे आम सारे रूपातरित कर प्लास्टिक बर्ज्यवस्तु को आम नष्ट करूँ कि देखा बेलू कहीं तार तो किसी जनापड़ ना। बर्ज्यवस्तु परिचालना दिगरे निश्चित भाव कौटी कौन बाधा रही प्रतिकूल अवस्था रही जो अवस्था सृष्टि बर्ज्यवस्तु परिचालना करने सरकार योजना सब रही आसी कि सब योजना गुड़ी वर्तमान सुधा कहीं केन्दुझर सुचारू रूपे कार्यक्षम हो पारिना।
पौरपालिका तरफ़ केन्दुझर कॉलेज रोड निकटने निर्मित होइछि एक बर्ज्यवस्तु परिचालना केन्द्र। यार अति निकटने सीडीभीयू कार्यालय, डीडी कॉलेज, नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज आदि रही। एक जनबहुल स्थान में निर्मित हो केन्द्र बाहर दुर्गंध से नाक फाटी पड़ुता बेले यह अस्वास्थ्यकर परिवेश सृष्टि करुछि। एही केन्द्र बिना जनशुणी सहर भितर स्थापन करा अभियोग होइछि। तेबे उपयुक्त स्थान में डंपिंग यार्ड मिलिले सहर मध्यरु बर्ज्यवस्तु परिचालना केन्द्र को स्थानांतर करा जिवो बोली पौर उपाध्यक्ष कहिछन्ति। पुरुणा बजार बस स्टाण्ड निकट गोटे करलेज डी कलेज रोड में आप देखिए गोटे सी डी अफिस् अच्छी लेडीज हॉस्टल अच्छी डी कलेज अच्छी मेडिकल कलेज अच्छी ता बिना जनशुणी और जनविरोधी भाव से गोटे करतमान से जो चारिड़े देखिए गार्बेज सब जाऊँच एनएच भी पकई दे। मुख्य समस्या रही है डंपिंग यार्ड हम आज पाईपरलु ना आम तहसीलदार लिखीचु आगुरी भी लिखीलु कलेक्टर को देखा करक्तिगत भाव में डंपिंग यार्ड दी तीन टा जगह आम सिलेक्शन करूँ खूब शीघ्र डंपिंग यार्ड नहीं कि सेठी बर्ज्यवस्तु परिचालना गोटे ट्रीटमेंट प्लांट कर बर्ज्यवस्तु परिचालना केन्दुझर गड़ पौरपालिका चिंतार कारण पाल्टी स्थिति केवे सुधुरुची एवं ताकू ही अपेक्षा। केन्दुझर अभिकर महापात्र न्यूज 18 ओडिया। गोबरी नदी पुनरुद्धार ना पानी पड़ा कोटी कोटी टंका बर्षटे न जाणु एवं नदी में पा ना जो अच्छी सेठे दल भर्ती 22 पंचायत लोके जो आशा करते से सब फुस्की जा 7 कोटी टंका खर्च परे एबे आउ 5 कोटी टंकार टेंडर पाई प्रस्तुति चली। गोबरी पुनरुद्धार रो गहन कथा को नहीं देखंतु ए रिपोर्ट। गोबरी नदी रे दल भर्ती ग्रीष्म ऋतु रे नदी रे जलस्तर कमी जाइछि। नदी उपरे निर्भर करथिबा लोके पानी पाई सेमिति डहळ बिकळ हेउछंती किंतु वर्षक आगरु गोबरी नदी खनन पाई सरकारी तहबिल रु मोटा अंकर अर्थ व्यय करा जाइछि। 11 किलोमीटर नदी पुनरुद्धार पर गत वर्ष 6,86,00,000 टंका मंजूर कर कूल खाऊ जगार पथर पैकिंग 2 कोटी मटी खोल 4.5 कोटी टंका खर्च होता किंतु अवस्था सुधुरलानी। नदी मझीर मटी उठाइब कौन मूलर मटी उठाई कम सारी ठिका संस्था पुनरुद्धार कम व्यापक अनियमितता होता अभोग खोला तो दल खोला दल तो जल जगार ही रही आम तो गाधे पाधे पार्न पिला छुआ कई गाधे पार ना यदि गाधेबु दल आड़े तो धीहा तो कुंडे घा बथ हो जमा खोला आम पटे नईटा जमा खोला नईटा खोला जमा खोला जाए खोलीदे मटीर बाहर कर एकर नईटा खोला ना। दैनंदिन व्यवहार पर केन्द्रापड़ार 10 और डेराबिश ब्लक 12 पंचायत लोके गोबरी नदी पुनरुद्धार होता अंश उपर निर्भर करती चाषवास लोके नदी उपर भरोसा करती किंतु एते टंका खर्च पर भी लाभ किछि नाही। सबुठारु बड़ कथा हला एही पुनरुद्धार बा खनन कार्य संपूर्ण करबा पई केन्द्रापड़ा ड्रेनेज डिविजन पुणी टेंडर आह्वान करबा को प्रस्तुति आरंभ करछि आउ 5 कोटी टंका व्यय करबा को लक्ष्य रखा जाइछि। तबे दुर्नीति अभियोग रो अनुध्यान करबे बोली जिलापाल प्रतिश्रुति देइछन्ति। नै आगुरु भल थिला अवश्य लोक कारबार करि पारुथले आउ एबे पानी अधिक रहउथला आई नई जो सेपट कौन तक खोल के सब पैसा खाई सब नहीं गले आपटे आम कारबार कर पारुनु दल भर्ती हो जा दिहा तो कुंडे गांडे हो नई हाँ नई पोती खोला अधिक पा हेले आम गाधुआ गाधी कि भल मंद सब कर नई पा नहीं गाई गोरु भी खाऊले देखिए तार स्कोप ऑफ वर्क कौन था तार जो भी टेंडर जी भी नहीं से अनुसार स्कोप ऑफ वर्क कम करते बाकी अच्छे पेमेंट के रही आउ तार जो जो भी काम ड्रेनेज प्रोजेक्ट तो इंस्पेक्ट करेंगे इन्सपेक्ट करना जदि किसी इनकम्प्लीट कम थी जो कम प्रॉपर्ली ही नाको करेक्शन करके एज पर स्कोप ऑफ वर्क से कम कम्प्लीट कर। गोबरी नदी में बहुकोटीर प्रकल्प लोके दुर्नीतिर दुर्गंध बारुछन्ति आउ जिलापाळंक अनुध्यानरु कि फल मिलुछि ताको सेमाने अपेक्षा करिछन्ति। केन्द्रापड़ारु कैलाश साहू न्यूज 18 ओडिया। अर्थतत्व चिटफंड ठकई मामला ईडी रे हाजर हेले बांकीर पूर्वतन विधायक प्रभात त्रिपाठी बेआईन आर्थिक कारबार को नहीं जेरा करुछि ईडी पूर्वरु हाजर होई हाजर नहीं नोटिस करिथिला प्रवर्तन निर्देशालय। श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प को सुप्रीम सिग्नल सुप्रीमकोर्ट कहिले लागिबनी रोक जारी रहिब निर्माण कार्य 2 लीव पिटिशन रद्द आवेदनकारी को लक्षे टंका लेखाएं जरिमाना
पिनाकी कहिले सर्वोच्च न्यायालय कंठरे महाप्रभु स्वर आवेदनकारी वकिलों मत सरकार रखिले भरोसा योग्य पक्ष। लखनऊ में प्रधानमंत्री मेगा इवेंट यूपी को 80,000 कोटी टंकार भेटी 1,406 प्रकल्पर शिलान्यास कले मोदी कार्यक्रम में सामिल हेले 14 कंपानी शिल्पपति। ब्रेक पर स्वागत। राज्य महिला आयोगों पक्षर किट प्रेक्षालय आयोजित महिला मानों दुईदिनिया जातीय संसद को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भर्चुआल माध्यम रे उद्घाटन करी। महिला सशक्त हेले राज्य तथा देश सशक्त एवं समृद्ध हेबो बोली ए अवसर में मुख्यमंत्री आह्वान दी। राज्य में महिलाओं पर आरंभ होता मिशन शक्ति एवं एक आंदोलन रूप धारण कर समग्र देश में उदाहरण सृष्टि कर पारी। सबु क्षेत्र में निष्पत्ति नेबारे महिला भागीदारी हेबे बोली मुख्यमंत्री कहते। राज्य महिला आयोग अध्यक्षा डॉक्टर मिनती बेहरा अध्यक्षतार आयोजित कर्मशाला महिला और शिशु विकास मंत्री टुकुनी साहू और राज्यसभा सांसद मुना खां रमादेवी महिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर अपराजिता चौधरी और जातीय महिला कमिशनर जुग्म सचिव ए आसोली चलाई अतिथि भाव में जोग देते। कर्मशाला 15 राज्यर महिला कमिशन अध्यक्षा सामिल होती। दुईदिनिया कर्मशाला विभिन्न राज्यर उपस्थित थिबा महिला कमिशन अध्यक्षा ठारू भावर आदान प्रदान सहित जो निर्जास बाहर ताकु कार्यकारी करिबा पई केन्द्र सरकार निकट को पठा जिवो। महिला मानक उन्नति लगे ओडिशा राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री सदा सर्वदा चेष्टित अच्छा और विभिन्न प्रकार योजना मध्यम से आगक आने लगे चेष्टा कर शिक्षा क्षेत्र में हो मिशन शक्ति मध्यम हो कि राजनीति स्तर में हो महिला मानक आगक आने लगे सुजोग दौर गत लोकसभा निर्वाचन महिला मानक 33% से देखते पार्लियामेंट टिकट भी देखते समस्त जीति। महिला सशक्तिकरण में भारत वर्ष में कौन से मुख्यमंत्री भाया कार्यक्रम करना जो कि आज जो महिला मानी जातीय संसद किभली भाव गोटे बड़ प्लाटफर्म महिला मैंने विभिन्न क्षेत्र में सशक्त हो पारे और तार कारण कौन किभली भाव जो समस्या आसूरी किभली भाव समाधान कर आज कर्मशाला मुख्य उद्देश्य। नदीर सहर सुवर्णपुर एठाकार नदी जी प्रसिद्ध नदीर मेक सुआदिया दिन था सुवर्णपुर महानदी जिला समेत जिला बाहर लोकों प्रथम पसंद था एबे किंतु महरग है महानदी माछ आंध्र माछर कब्जारे सुवर्णपुर बजार लोके खोजी होती महानदी माछ मत्स्यजीवी चाह बसी महानदी माछ को हेले सुवर्णपुर माछ गला कुआड़े आसंतु उत्तर खोजिबा ए रिपोर्ट रे। रोही भाकुर ग्रास कार्प बजार रे भळी की भळी माछ देखिले आमिष प्रिय लोके लोभ संभाली परबे नाही हेले वास्तवता हेउची ए सबु माछ बरफदिया आंध्र माछ अन्य स्थान परी सुवर्णपुर जिला माछ बजार रे भी आंध्र माछर दबदबा बरफदिया बासी माछर स्वाद सेते भलो नथिले भी माछ प्रेमीक पाखरे आउ विकल्प नाही। नदीर सहर सुवर्णपुर रे ग्राहक खोजुछंती महानदीर तटका माछ हेले महानदी माछ स्वप्न पलटि गलानी दिन थिला सुवर्णपुर रो महानदी माछ बाहर कु रप्तानी होतला एबे किंतु स्थानीय ग्राहक भी देसी माछ पाउ नाहंती। आज डेट में आम माछ मारिक बहुत असुविधा चलीजूँ आगर अपेक्षा जितके माछ मरी दिले यहाँ तार आम तीन भाग भागे भी नहीं पाइबा आर ब्लास्टिंग हबार द्वारा आम पुलिस एसपी डीएसपी सब पाके जाऊँ कहीं आम कथा सुनबार नहीं बर्तमान यहाँ महानदी पान ये ब्लास्टिंग आर तेल पकवा पूरा विशुद्ध हो गाधवा लगे भी लोक असुविधा पाँच। सुवर्णपुर जिले में प्राय 100 किलोमीटर व्यापी महानदी प्रवाहित हो जिलार उलुंडा ब्लॉक केउटीपल्ली ठारु वीरमहाराजपुर रो सुबोलिया जाए महानदी और तेल नदी ही झरे और केउटो संप्रदायर लोकों पर पलटि जीवन जीविका हेले दुई नदी विभिन्न घाटे किसी खल प्रकृतिर लोक अप्राकृतिक उपाय ब्लास्टिंग करने सहित रासायनिक तेल प्रयोग कर फल नदी में मत्स्य संपद कमी कमी जाता बेले महानदी दिनकू दिन प्रदूषित होबार लगी महानदी देशी माछ कमिबा कथा को जिला मत्स्य अधिकारी स्वीकार करछंती नदी रे माछ जाळ छाडीबा लागि सरकार पदक्षेप नथुबा से कहिछंती आ माछ मिलो नाही जेटा मिलु जे सेटा चोलिए होउनी बुझले खाली इतर कारण हो जे मुख्य जेंस हो जे ब्लास्टिंग आ तेल तेल वाला से विषय ज्यादा तेल सेथि लागि हमर परिवार चोली नै परबागे आ जदि प्रशासन एसपी को जाइगिर कहूजु से माने किछि काम आको करबा नै बड़ बड़ जाळ आगामी वर्षा ऋतु रे आमर मध्य नदी मानक छड़ा जीव जो कि वंश वृद्धि करिवारे जो मारुवा जो भाई भी अच्छा नदीकूल
ସେ କୈବର୍ତ୍ତ ଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଦେଶୀ ମାଛ ପାଇଁ ଦିନେ ସମୃଦ୍ଧ ଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଏବେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବିକା ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଲାଣି। ଅପ୍ରାକୃତିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମାଛ ମରେ ରଖିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବାନ ପୁରୋହିତ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ହାତଗଣତି କିଛି ପୁରୁଣା ସାଇକେଲ ଚଳାଇବାର ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଯୁଗ ବଦଳିବା ସହିତ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବାର ଧାରା ବି ବଦଳିଛି। ବଜାରକୁ ଆସିଛି ଭଳିକି ଭଳି ଫ୍ୟାନ୍ସି ସାଇକେଲ। ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ବଦଳିଛି ସାଇକେଲର ରୂପ, ରଙ୍ଗ ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲ। କାମ ଯେମିତି ଚମତ୍କାର, ଦାମ ବି ସେମିତି ଦମଦାର। ସାଇକେଲ ଏବେ ଆଉ ଯାତାୟତର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା ସାଜିଛି। ଆଜିକାଲି ସହର ତ ସହର, ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ବି କାଁ ଭାଁ ଗଡ଼ୁଛି ସାଇକେଲ। ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଦୁନିଆ ସହ ତାଳ ଦେଇ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଦିଓ କମିଛି, ତଥାପି ଏହାକୁ ନେଇ ସଉକ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଛି। ରାସ୍ତା, ଚାହିଦା ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ବଜାରକୁ ଆସିଛି ଭଳିକି ଭଳି ସୌଖିନ ସାଇକେଲ। ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ନିଆରା, ଦାମ ବି ସେମିତି ଖାସ। କଚା ଓ ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ମୋଟା ଚକବାଲା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସାଇକେଲ। ସେହିପରି ସମତଳ ରାସ୍ତାର ସାଇକେଲ ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ପତଳା ଚକ ଥିବା ସିଟି ରାଇଡ୍ ସାଇକେଲ। ଦାମ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ। ସ୍ୱିସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସ୍କଟ୍ ହେଉ କି ୟୁଏସ୍ଏ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଟ୍ରେକ୍ ସାଇକେଲ, ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଓ ହାଲୁକା, ଚଲାଇବାକୁ ବି ସେତିକି ଆରାମଦାୟକ। 50,000-5 ଲକ୍ଷ ଯାଏ ରହିଛି ପ୍ରିମିୟମ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସାଇକେଲ। କାର୍ବନ ଫାଇବରରେ ତିଆରି ସାଇକେଲ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା। ଆମ ପାଖରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆରାଉଣ୍ଡ 13-14 ମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଛି ସାଇକେଲ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଫାୟାରଫକ୍ସ, ସନକ୍ରେସ, ରାଲେ, ପ୍ରିମିୟମ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଯିବେ ସ୍କଟ୍, ଟ୍ରେକ୍, ଜାଣ୍ଡ, ବର୍ଗମନ, ପଲିକନ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରିମିୟମ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସାଇକେଲ୍ସ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ସାଇକେଲ ସେମାନେ ଟିକେ ପ୍ରିମିୟମ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସ୍କଟ୍ ହଉ, ଟ୍ରେକ୍ ହଉ, ଜାଣ୍ଡ ହଉ, ବର୍ଗମନ ହଉ। ଆଉ ନର୍ମାଲ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଫାୟାରଫକ୍ସ, ସନକ୍ରେସ, ରାଲେ ନର୍ମାଲ ଏଇ ସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଇକେଲ। ତେବେ ଗିଅର, ନନ୍ ଗିଅର ଓ ରେସିଂ ସାଇକେଲ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ଅଧିକ ପସନ୍ଦ। ଏହାଛଡ଼ା ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 30,000 ଟଙ୍କା ଦରରେ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ସହରରୁ ସହର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଫୋଲ୍ଡିଂ ସାଇକେଲକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରାଇ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବେ। ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସାଇକେଲ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣଙ୍କର ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ୟୁଥ୍ ସାଇକେଲ ଆମ ପାଖରେ, ମାନେ ବଏଜ୍ର ଗିଅର ରେସର ସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଲୁମିନିୟମ ଆଲୁଏର ସାଇକେଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର 10,000ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 30,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଆମ ପାଖରେ ସାଇକେଲ ସବୁ ଅଛି। ସାଇକେଲ ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପାଇଁ। ଫାଷ୍ଟ ସାଇକେଲିଂ ଆଉ ତ କିଛି କରିହେଉନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇକେଲିଂ ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବୋଲି ଯାହା ଡକ୍ଟରମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ପାଖାପାଖି ଯିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ହେଉନି, ଯେହେତୁ ସାଇକେଲିଂର ଚାହିଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିଅର ଫିଅର ହୋଇଗଲାଣି। ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଯେତିକି ନୁହେଁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକେ ସାଇକେଲ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଫ୍ୟାସନ୍ ଓ ଷ୍ଟାଇଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ସାଇକେଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁଶ୍ରୀ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଜ ଶରୀର ଦାନ କରିବା ହେଉଛି ମହତ୍ଦାନ, ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିର ଡାକ୍ତର ଭି ରାଜେଶ୍ୱର ରାଜୁ। ପରିବାରବର୍ଗ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ମେଡିକାଲକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଗବେଷଣା ଦିଗରେ ଏହା ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ସାରା ଜୀବନ ସମାଜସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ବେଳେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ପରିଚିତ ଡାକ୍ତର ଭି ରାଜେଶ୍ୱର ରାଜୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଓ ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜୁ ଡାକ୍ତର ନାମରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଅବସର ନେବା ପରେ ନିଃଶୁଳ୍କ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏହା ସହ ଅନେକ ସମୟରେ ମେଗା ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ମାନ ଆୟୋଜନ କରି ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଥିବା ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଥମେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରକ୍ତଦାନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏହି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ମହଜୁଦ ଥିବା ରକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରଲୋକ ହେବା ପରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଘୋର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମରଶରୀରକୁ ମେଡିକାଲକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ। ସାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନରେ 5% ଭଲେଣ୍ଟ୍ରି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ରୁ
80% ବରହମପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଛି ଫର୍ ଭଲେଣ୍ଟରି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାର୍ଙ୍କର ଅଙ୍ଗଦାନ ଉପରେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଆୱେର୍ନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯେଉଁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କେମିତି ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବି, ତାଙ୍କ ବଡ଼ିକୁ ସିଏ ପିଲାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆନାଟମି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିବ, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଡାକ୍ତର ରାଜୁ 2000 ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନର୍ସ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହ ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ଓ ଶରୀର ଦାନ କରିବା ନେଇ କହିଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଆନାଟମି ବିଭାଗକୁ ଶରୀର ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସାରା ଜୀବନ ସମାଜ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶରୀର କାମରେ ଲାଗୁଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ବେଶ ଗର୍ବିତ। ଆଇ ଡୋନେସନ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଗିଭ୍ ବ୍ଲଡ୍, ଗିଭ୍ ଆଇ, ଗିଭ୍ ବଡି, ଗିଭ୍ ଅର୍ଗାନ୍ସ। ତ ଏଠି ତ ଆମର ସବୁ ଅର୍ଗାନ୍ ଦେବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ ଆଇ ଡୋନେଟ୍ କରାଗଲା, ଏବେ ବଡି ଡୋନେସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏନାଟମିରେ। ପିଲାଙ୍କୁ ସାର୍ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ, କାହିଁକିନା ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଡ଼୍ ବଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନାଟମିକୁ ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ପୁରୁଣା ଆମେ ଅନ୍କ୍ଲେମ୍ ଡେଡ଼୍ ବଡି ପାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଡି ଡୋନେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଦଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ 12 ଶରୀର ଦାନ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଡାକ୍ତର ଭି ରାଜେଶ୍ୱର ରାଜୁଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବେଶ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କୈଳାସ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ରାଜ୍ୟରେ 2 ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ, ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। 2 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରୋଗୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରୁ H1N1 ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ଜଣେ 38 ପୁରୁଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ 28 ମହିଳା ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। 2019 ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ଋତୁ ଏବଂ ଶୀତଦିନେ ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ। କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲେ ଏହା ବ୍ୟାପିପାରେ, ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଛିଙ୍କ, ଜ୍ୱର, ଦେହ ହାତ ଘୋଡ଼ାବିନ୍ଧା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ରହୁଛି, ସେମାନେ ଆଇସୋଲେସନରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାୟ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛେ, ୟୁଜୁଆଲି ଯୋଡ଼େ ପିକ୍ ଆମର ଆସେ ଏଇ ସିଜନ୍ଟା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିକ୍ର ସମୟ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁର, ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ହୁଏ ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ଉତ୍ତରେ ହୁଏ। ଏ ଆପଣଙ୍କର ମନସୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଗଲା ବର୍ଷ ଯଦି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ। ତେଣୁ ସେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 2 କେସ୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ H1N1 ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ଜଣେ 38 ପୁରୁଷ ଆଉ ଜଣେ 28 ମହିଳା, ଉଭୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ,